हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे नेचुरल गैस का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नेचुरल गैस बंद हुआ है 337 पे, लगभग 4 रुपीज़ अप 1.26% गेन के साथ। तो चलो देखते हैं चार्ट पे किस तरह से नेचुरल गैस है और अगले हफ्ते के लिए क्या ट्रेड हो सकता है। तो शुरू करते हैं मंथली चार्ट से। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल नेचुरल गैस जो है तो लगभग 7.4% नीचे ट्रेड कर रहा है, लगभग 27-28 रुपये लॉस के साथ। और यहाँ जो है तो हमने अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखी है, दोनों तरफ के हाई और लो देखे हैं। लो था 292 का, हाई था लगभग 412 का। तो ऑलरेडी हम लगभग 120 रुपये का रेंज देख चुके हैं महीने भर में, और अभी तक कुछ दिन बाकी है ये मंथ खत्म होने में। तो अच्छा खासा वोलेटिलिटी यहाँ ऑलरेडी देख चुके हैं और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा ड्यू टू रशिया और यूएस के बीच में जो यूक्रेन की वजह से टेंशन है उसकी वजह से। मगर यहाँ ऐसा लग रहा है कि हमने ब्रेकडाउन दिया था जो रिजेक्ट हो चुका है, और जो अभी नेचुरल गैस फिर से जो है तो 440 के लेवल को टेस्ट करने का ट्राई कर रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें 440 के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर हम ऊपर के लेवल पर सस्टेन करते हैं। तो नीचे जो सपोर्ट जोन है मंथली चार्ट पे वो है 315 और उसके बाद में 280, ये दो सपोर्ट जोन है। और यहाँ से हमने अच्छा खासा सपोर्ट आते हुए देखा है प्राइस में, तो यहाँ फिर से आता है तो देखना होगा कि वहाँ से रिवर्सल आता है या नहीं। तो ये दो लेवल आप ध्यान में रखिए, जो है 315 और उसके बाद में 280 का। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि इस वीक नेचुरल गैस जो है तो लगभग 14% अब बंद हुआ है, लगभग 42 रुपीज़ गेन के साथ। लास्ट वीक हमने लगभग 55 रुपये का फॉल देखा था और लगभग 16% नीचे बंद हुए थे। उस फॉल को हमने पूरा रिकवर करके हम जो है तो फ्रेश हाई भी लगाया है इस वीक पिछले हाई के ऊपर, और वहाँ से जो है थोड़ा सा रिट्रेस होके लगभग हम 15% अब बंद हुए हैं 42 रुपीज़ गेन के साथ। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि नीचे के लेवल पर प्राइजेस रिजेक्ट हो रहे हैं और अच्छा खासा बाइंग आ रहा है। तो ये जो है तो ये आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, सिर्फ यह दिक्कत की बात ये है कि यह वोलेटिलिटी एट द पीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल होगा। मगर यहाँ वीकली चार्ट पे जो मेजर सपोर्ट दिख रहा है मुझे वो दिख रहा है 300 के अराउंड, 300 और 315 के अराउंड। तो उस लेवल पे शायद प्राइजेस आते हैं तो वहाँ से आपको अच्छा खासा फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और इस बार जो है लास्ट टाइम उसने 377 का लेवल ब्रीच करने की कोशिश की थी, मगर वो क्लोजिंग बेसिस पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया था और उसकी वजह से हमने अच्छा खासा ड्रॉप देखा। फिर से ट्राई कर रहा है नेचुरल गैस, और इस बार अगर 377 टूट जाता है तो हम जो है तो लगभग 430 का लेवल जो मंथली चार्ट पे लेवल है उसको टच करने की कोशिश करेंगे। तो यह वीकली चार्ट पे मुझे लगता है कि यहाँ बाइंग के मौके हैं, आपको यह एज़ पर वीकली चार्ट बाय करना चाहिए 300 और 315 के बीच में, और जो टारगेट रहेंगे हमारे स्विंग टारगेट वो रहेगा 377 उसके बाद में 430 का। यह डेली चार्ट देखते हैं। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने दोनों तरफ की स्विंग देखे हैं, और ये जो है तो न्यूज़ फ्लो को ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, तो यह आने वाले दिनों में भी सेम रहेगा। यह आपको डेली चार्ट पे जो मेजर सपोर्ट है वो 311 का है जो 200 डेज एवरेज है, तो उसके अराउंड अगर आता है नेचुरल गैस तो आपको यहाँ जो है तो बाइंग में ही रहना है। तो आपका बाय जोन होगा एज पर डेली चार्ट 310 से लेकर 290, इसके बीच में आपको एक्युमुलेट करना है नेचुरल गैस। और फिर से मुझे लगता है कि हम 350 से लेकर ऊपर 430-440 के लेवल आने वाले दिनों में देख सकते हैं। करंटली हम फिर से ट्राई कर रहे हैं जो 350 का लेवल तोड़ने का, और जहाँ मैंने कहा था कि 350 आएगा तो ऑलरेडी आ चुका है। हमने 359 का हाई देखा था, वहाँ से अच्छा खासा सप्लाई देखा था, तो हो सकता है कि फिर से हम जो है तो नीचे के लेवल पे जाएं और वहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक अगर हमें 290 से लेकर 310 के बीच में नेचुरल गैस मिलता है तो वहाँ एक्युमुलेट करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 280 और जो टारगेट बनेंगे वो बनेंगे 350 और उसके बाद में 430। तो इन दो टारगेट और टारगेट भी बढ़े हैं, तो यहाँ आपको एक्युमुलेट करना है 290 से लेकर 300 के बीच में। स्टॉप लॉस रहेगा 280 के नीचे और टारगेट बनेंगे, हमारा पहला टारगेट रहेगा 350 उसके बाद में 430 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और ये टारगेट आने में कम से कम 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, ये बड़े टारगेट है, स्विंग टारगेट है, और कभी कभार ये जल्दी भी आ सकते हैं क्योंकि उतनी वोलेटिलिटी ऑलरेडी नेचुरल गैस में रहती है। मगर ये नीचे आता है
तो हो सकता है कुछ दिन ये 290-300 के बीच में भी गुजार सकता है, एक बार बेस बनाने के बाद फिर से वो रिवर्सल दे सकता है। तो यहाँ ध्यान रखना है 290 और 300 के बीच में एक अच्छी खासी बाइंग जोन है, 280 का स्टॉप लॉस। अगर ये 280 के नीचे जाता है तो इसमें सेल ऑफ भी आ सकता है और बहुत नीचे के भी लेवल आ सकते हैं। तो लॉन्ग साइड में आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है। 280 का हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, हम बाइंग के मौके ढूंढेंगे 290 से लेकर 310 के बीच में, टारगेट रहेंगे हमारे 350। अगर 350 ब्रीच होता है तो फिर 430 का भी टारगेट ओपन हो सकता है। अगर ये नीचे नहीं आता है और ये 350 तोड़ देता है तो फिर हम ट्रेंड करेंगे 450 के 430 के टारगेट की तरफ, 430 से लेकर 440 के टारगेट रहेंगे। अगर ये 350 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग दे देता है और नीचे नहीं आता है और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे देता है इस हफ्ते के शुरुआत में ही, तो हम जो है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हैं जो लेकर जाएगी नेचुरल गैस को 430 से लेकर 440 के टारगेट की तरफ। तो यहाँ दो सिनेरियो बनते हैं, एक तो नीचे आता है तो हम बाय करना पसंद करेंगे 290 से लेकर 300 के बीच में, टारगेट रहेंगे 350-430। अगर ये नीचे नहीं आता है और ये ब्रिज कर देता है 350 के लेवल तो भी हम लॉन्ग जाएंगे। उस सिनेरियो में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा लगभग स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा 335 के नीचे, तो थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है मगर टारगेट भी बड़ा रहेगा उस सिनेरियो में। और वहाँ जो है तो वहाँ एक्युमुलेशन करना है आपको। अगर ये 350 ब्रिज कर देता है तो 340 से लेकर 355 के बीच में आपको इसको एक्युमुलेट करना है, 335 के नीचे स्टॉप लॉस, टारगेट रहेगा 430। तो ये दो सिनेरियो बनते हैं अगले वीक के लिए और मुझे लगता है ये दोनों भी प्ले आउट हो सकते हैं। अभी देखना है कि पहले कौन सा प्ले आउट होता है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।